press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिंदगी का एक चैप्टर होता है, इन्होंने लिखा है अ लाइफ बियॉन्ड लव। एक पहले चैप्टर होता है जो लाइफ लव बियॉन्ड लाइफ। जब दोनों राजी होते हैं तो पहला सेगमेंट चलता है, जब दूसरा राजी नहीं होता तो सी सेगमेंट चलता है। और कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ, ये 25 साल तक आदमी लफ्ज उड़ाता फिरता है, उसको लफ्ज इधर से उधर उड़ाता फिरता है। फिर एक उम्र आती है जब कुछ दर्द मिलता है तो उस मेटना शुरू कर देता है। और ये किताब मुझे तो डेफिनेट लग रही है आपका ही एक जिंदगी का हिस्सा है। अगर हिस्सा नहीं होती आप कभी किताब नहीं लिखते। क्या बात, क्या बात। रुचिर जी के लिए पहले एक बार जरूर। मैं बहुत खुश हूँ आज। ये बुक सोचना भी बड़ा मुश्किल काम है, सोचता ही नहीं बंदा, बड़ा बोर हो जाता है यार बुक। बुक लिखना कितना मुश्किल काम है। और यहाँ पे मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये यहाँ पढ़ी अलग ही है। और इस हाइट से इस हाइट तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं नहीं, आपने सब बता दिया, कई बातें इन्होंने छुपाई हैं। जो हिंदी बोली थी ना मेरे को देखे बोली, सब इंग्लिश में पहले तो मेरे को देखा तो मैं, क्योंकि ये जो करता है मैं। और पाजी इधर देखो, ये ना बता रहे हैं अपने के हमारे पास क्या क्या है, वो बता रहे हैं ये हमारी चश्मे उधर मोबाइल्स और हमारे सूट हमारी अंगूठियां, ये सब बता रहे हैं। और भी हैं, ये नहीं सिर्फ चश्मे बड़ा अच्छा, मैं समझ रहा था। हाँ, और ये वाकई जो मुझे जितना समझ आया, लव ही आया मुझे, और कुछ इंग्लिश में करना नहीं, पर फिर भी जो आपने हिंदी में बाजी समझाया कि थोड़ा कि वाकई कुछ तो है, ऐसे तो लिख नहीं सकते। हम दुआ करते हैं कि जितनी मेहनत जिसके लिए ये एक बुक उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि अंदर से तो यही होता है ना कि किसी ये मेरा मैसेज पहुंच जाए। तो आप सोचो कि ये कुमार साहब कहते हैं कि इनका जरूर कुछ दिल में सच है, अपने सच लिखा है, तो कहीं ना कहीं कोई है, तो इनके कितने होंगे, कितने गाने लिखे हैं ये ऐसे तो होता नहीं। कोई किताब नहीं लिखी मैंने, आपने किताबें लिखने वाले बना दिए कई, हम इनके गाने गाते हैं, इन्होंने हर तरह के गाने लिखे हैं, आपने देखे हैं। इनकी वजह से मैं पहले तो मुंबई में रहता था, तो मैं अमृतसर, बच्चे वहाँ रहते थे, मैं अभी अमृतसर जाता हूँ बच्चों के पास, इनके गाने ही ऐसे हैं, मैं डरा दिया मेरे को, डैडी मम्मी है नहीं घर पे पिछले कमरे में, तो मैं क्या अभी वहाँ जाओ बच्चों के पास, मैंने तो कमरे तोड़वा दिए पिछले। इन्होंने हर तरीके के गाने लिखे, स्टेमिने भी गाने लिखे हैं, तेनों इतना मैं प्यार करा एक पल विच 100 बार करा, ये आप ही लिख सकते हो। आप समझते हैं स्टेमिना जो है एक राइटर का एक सोच। तो हम, मैं, हमारे जसवंत जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मेरे साथ, अचानक ही हमको मौका मिला और ये चीज मैं खोना नहीं चाहता था, ये आपका प्यार है, ये हमारी पार्टनर है, हमने बहुत काम किया है, और ये बुक आपकी बहुत सुपर डुपर हिट हो और मतलब सब पढ़े इसको। वाकई मुझे ये लगा प्यार है, प्यार हर किसी के लिए होता है, प्यार सिर्फ एक के लिए नहीं होता, बच्चे के लिए भी होता है, वाइफ के लिए भी होता है, फिर वाइफ के लिए होता है, सिर्फ वाइफ के लिए होता है। तो बाकी जो है ये समझने की बात है कि आप कहीं भी इस चीज़ को ले जाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही बुक लिखते रहें, और इनका साथ नहीं छोड़ना वो भी जरूरी है, चश्मे बॉडी पास ये मतलब कुछ हो जाए इन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ये पैसे कमाने के लिए काम लिया है आप, इतने लोग हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए कि इसने कमाया होगा ना हमें, वरना इस तरह से कोई आता भी नहीं खड़ा होने के लिए। इसकी कमाई है कि हम लोग के साथ खड़े हैं, और इसकी अच्छी बात है, पहले मैं गाने को छोड़ देता था, ये
जी भी मैनेज करते हैं, तो सवाल लेते हैं ये लोग, ये बिना पूछे एडवांस उठा लेता है और मैं कहता हूं अब गाना लिखना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं नहीं आपको लिखना पड़ेगा आप गाना, ये ऐसी शरारतें करने लगे हैं, तो पहले से चार पैसे ज्यादा भी आ रहे हैं, लेकिन लम्बा लम्बा इसको भी हम कमा रहे साथ में। हम ऐसा कभी कभी होता है पूरे शहर में कि किसी को हम जाने नहीं देना चाहते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये उसमें से गाते हैं, तो हम कभी चाहेंगे नहीं चाहे। और अभी इनके मम्मी यहाँ पे है, आई थिंक उनको माइक दिया जाएगा। हम लोग एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग ने लाइफ में जो भी है, लेकिन रुचिर हमारी वन ऑफ द बेस्ट कमाई है हमारी लाइफ की। वी फील वेरी रिच, वी फील वेरी रिच टू हैव हिम इन आवर लाइफ। क्या बात, from very first which I remember when he was of 2 or 3 years, he wrote a letter to his grandpa and he has still collected it. He is having, even he is writing the poem when he was 3 or 4 years. He was writing poems. So I was knowing that he can do something. And when he said that I am going to write a novel, I said, can you? Yes, I will. And because he wrote the novel almost the only one chapter was left for 7 years. And rest was completed in his college life. And every friend of his is knowing about that novel. And they all are very happy that now he has completed his novel. Because it was supposed to be published 7 years back when he was studying. But he didn't complete it. Yeah, I will think I am not able to complete it. What should I write? What should I do? But for this also he is having one inspiration that one of his friend, she wrote one novel. Her book was published. So when he was having the competition, that when she can, she has written by the inspiration of mine. The cat out of the bag. She heard about that she is writing a novel and he has not yet completed. Then she said, okay, I am going to publish. And she published her novel. He said, she can publish. And I am better than her, why can I not complete my novel? Then he completed in last 3-4 months. And then he went. And he was sending his book to many authors, many publishers. But he was not finalizing it. I said, when everyone is liking your novel, and why you're not, no, I will do it, but I am not able to complete it. I will, whenever I feel that way. Now he has and I feel that he will continue with the more novels. Wow, that's amazing. I'm sure he'll come up with the second part. What happens? अपने बारे में लिखना यार इसमें थोड़ा सा. Yeah, yeah, Akash, please. I got it. Actually, guys, I'm gonna make it kind of short for you. When I met the Meat Bros first, this guy named Ruchir came and I looked at him. I was like, oh my God, dude, what is he gonna do? He's been with these guys for the longest time. He's the hardest worker. I had a show with the Meat Bros a very long time ago. He picked me up at Ujjain, that's where he stayed. Usne mujhe garam garam pohe khilaye, jalebi. Usi gali mein cricket khilaya, usne mujhe bowling bhi di. Nahi mummy ne nahi khilaya tha, Ruchir ne khilaya tha. Aur kyunki hum log bahar khaye the aur fir usne mujhe bowling bhi kiya, usne mujhe out bhi kiya. And jab bhi usne mujhe out kiya, main janta tha ye ladka yaar ye winner hai, champion just like everybody. Yeah. And I always knew he was going to be the hardest worker. And you know what? Jab bhi Ruchir sota hai, kyunki main usse ghar pe gaya hu, isko aap utha nahi pate ho kyunki itne thakke aate hain. He works so hard day in day out. I also wish Beat Bros ke baad wo story hamari baad mein bhi mera ho jayega. You know? But Ruchir, I love you. God bless your life beyond love. And one last thing. Jo bhi ladki iske saath pyar ya mohabbat mein aayegi, you're going to be the luckiest girl. Because if he can love the brother so much, he will love his wife even more than that. That's true. That's true. We love you, Ruchir. Okay. I doubt that. I'm telling. He really loves us. Akash, iska alag connection. Akash, tune to decide kar liya ki Ruchir tere paas aa raha hai. Ruchir se pucha ki wo aana chahta hai ki nahi.